नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और हाजिर हूँ एक बार फिर से जो यूनिवर्सिटीज हैं छत्तीसगढ़ में उनके नोटिफिकेशन को लेकर। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से बीपीएड द्वितीय कोर्स का जो मेरिट लिस्ट आया था, जो छात्रों का जिनका सिलेक्शन हुआ उसका यहाँ पर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट फिर से आ गया है। तो देख लीजिए, इसमें नाम है कैटेगरी वाइज, ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है, इसी के हिसाब से अब होगा, सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ नंबर देख लीजिए, आपको 1 से लेके 40 तक जिनका यहाँ पर नंबर है सिलेक्शन लिस्ट में, उनको 27 सितंबर 2021 को, और 41 से लेके 50 तक के जिनका सीरियल नंबर है यहाँ पे, उनको 28 सितंबर 2031 तक एडमिशन फीस जमा करके एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ इस सीरियल नंबर के वाइज आपको जाना है। इसका पीडीएफ लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर MSc IT के लिए सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पर आया है, जिसके लिए डेट है 25 सितंबर, लास्ट डेट है, एडमिशन लेना है आपको फ़ीस जमा करके। 10:30 से 11:30 बजे तक आपके वो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे और 11:30 बजे से एडमिशन चालू होगा। और जगह है SOS इन कंप्यूटर साइंस एंड IT, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में होगा। तो यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, इन्हें लेकर आपको जाना है। और यहाँ पर जो फीस है अप्रॉक्सीमेट बताया गया है लगभग 14,000, जिसमें ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल फीस एज पर यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस, ये सब आपको बताया गया, लगभग 14,000 ये फीस दिया गया है। और ऑन द स्पॉट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप उसका जुगाड़ करके जाइए अपने फ़ोन से, आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो आप ऐसा फ़ोन लेके जाइए कि वहीं पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सके। उसके बाद देखते हैं MSc गणित में प्रवेश के लिए यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है रविशंकर विश्वविद्यालय से ही। तो 22 सितंबर के जो काउंसलिंग हुई थी उसमें अब उनके अधिभार को जोड़कर जो 50% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो उनको जोड़ने के बाद ये फाइनल लिस्ट आ गया है। तो MSc गणित के लिए है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों का नाम है ये फाइनल लिस्ट है, समझ लीजिए इनका एडमिशन अब होगा। तो 25 सितंबर है, 25 सितंबर तक आपको फीस भर कर एडमिशन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी से देखते हैं, तो रुके हुए रिजल्ट जारी हुए हैं वार्षिक सेमेस्टर 2019-20 के। तो यहाँ पर मैं कोर्स बता देता हूँ, BBA चतुर्थ सेमेस्टर एटीगेटी मई जून 2019, MA समाजशास्त्र मई जून 2019, MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर एटीगेटी मई जून 2019, DCA सेकंड सेमेस्टर मई जून 2019, BSc भाग द्वितीय मार्च अप्रैल 2020, MA राजनीति शास्त्र अंतिम मार्च अप्रैल 2020, MA समाजशास्त्र अंतिम मार्च अप्रैल 2020, MS इतिहास अंतिम मार्च अप्रैल 2020, MA हिंदी अंतिम मार्च अप्रैल 2020, BEd द्वितीय सेमेस्टर एटीगेटी मई जून 2020 के यहाँ रुके हुए रिजल्ट जारी। उसके साथ MEd द्वितीय सेमेस्टर मई जून 2020 और MSc वनस्पति शास्त्र द्वितीय भूतपूर्व सेमेस्टर मई जून 2020 का रिजल्ट। उसके बाद MA समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर एटीकेटी जनवरी 2020, PGDCA सेकंड सेमेस्टर मई जून 2020, BEd चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020, BBA चतुर्थ सेमेस्टर एटीकेटी मई जून 2020, MA हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020, MA समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020 का रिजल्ट। उसके बाद MA इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020 का रिजल्ट है। उसके बाद MA अंग्रेजी मई जून 2020 का रिजल्ट है, MA अर्थशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020 का रिजल्ट है, MCOM चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020 का यहाँ रिजल्ट है। उसके बाद MSc भौतिक शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020, MSc वनस्पति शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020, MSc प्राणी शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020, MSc बायोटेक्नोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020 और MSc गृह विज्ञान ह्यूमन डेवलपमेंट चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020, MSc गणित चतुर्थ सेमेस्टर मई जून 2020 का रिजल्ट है। के बाद LLB
सिक्स सेमेस्टर मई जून 2020 का यहाँ पर रिजल्ट है। हेमचंद यादव से यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। तो जितने भी यूजी पीजी डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष या सेमेस्टर में, तो एक बार ये ऑनलाइन पोर्टल को फिर से आज से खुल गया है 24 सितंबर से 26 सितंबर तक अभी आप ऑनलाइन और फॉर्म भर सकते हैं। तो और इसकी मेरिट लिस्ट जो है 28 सितंबर को जारी होगी। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अंतिम बार है ये, क्योंकि 30 तक सब एडमिशन लेना है, तो उसके पहले लास्ट बार बढ़ाया गया है 24 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। इसके लिए मेरी लिस्ट जो है वो 28 सितंबर को आएगी। और ये सीट उन्हीं कॉलेजों के लिए है जहां पर सीटें खाली है, और जिन कॉलेज में सीटें फुल हो चुकी है वहां पर ये ओपन नहीं होगा पोर्टल। जहाँ पे सीटें खाली उन्हीं कॉलेज के लिए पोर्टल ओपन है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके जो पेरेंट्स हैं उनका कोरोना की वजह से डेथ हो गया है, तो उनके लिए छात्र कल्याण बजट से संबंधित छात्र छात्राओं के जो फीस है उसमें छूट दिया जाएगा। तो उसके लिए आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर HS होता, प्राध्यापक है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, और दूसरे हैं ये अध्यक्ष हैं और डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा कार्यक्रम समन्वयक, डॉक्टर सुमोना भट्टाचार्य, ये इनसे आप कॉन्टेक्ट करके अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनके पेरेंट्स की डेथ जो है कोरोना के वजह से हुई है और अटल बिहारी वाजपेयी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके छूट उनको जो फीस है उसमें छूट दिया जाएगा। तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए कैसा क्या प्रोसेस है और क्या है, तो ये लोग आगे आपको डिटेल बताएंगे आपकी फ़ीस यहाँ पर छूट की जाएगी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर रिजल्ट आया है। तो BCom सिक्स सेमेस्टर का है, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक सेकेंड सेमेस्टर, BSc FPT सिक्स सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ सेकेंड सेमेस्टर, BSc FPT सेकेंड सेमेस्टर, BSc FPT फोर्थ सेमेस्टर, MCom फोर्थ सेमेस्टर, MSc FPT सेकेंड सेमेस्टर, MSc FPT फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट आया। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से यहाँ पर नोटिफिकेशन है, MTech केमिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर 2020-21 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसका यहाँ पर टाइम टेबल है। तो 10 बजे से 12 बजे होगा। तो 4 अक्टूबर को एडवांस फ्लूड मैकेनिक्स, 5 अक्टूबर को एडवांस मास ट्रांसफ़र, 6 अक्टूबर को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, 7 अक्टूबर को डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटलिस्ट, 8 अक्टूबर को सेफ्टी हजार्ड एंड रिस्क एनालिसिस। उसके बाद यहाँ पर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आया है फॉर DPT स्पॉन्सर MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के 10 सीटों के लिए। तो यहाँ पर जिनके भी नाम हैं उनको 14 अक्टूबर के पहले फीस पेमेंट करके आपको एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पर 10 लोगों के नाम हैं, ठीक है। इसका फीस जो है 13,700 है, ऑनलाइन आपको इसका पेमेंट करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर। और इसी के साथ बाकी के जो लोग हैं वेटिंग लिस्ट में उनका 18 अक्टूबर को इसका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा इनके एडमिशन होने के बाद। तो वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर बाद में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो 10 लोग जिनको एडमिशन लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में ये वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। तो इनका 18 तारीख को बताया जाएगा किनका यहाँ पे एडमिशन होना है। तो ये वेटिंग लिस्ट भी है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम नोटिफिकेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।